नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों चलिएगा, आज हम RS अग्रवाल का फोर्थ चैप्टर था दोस्तों, वर्गमूल घनमूल, इसका पार्ट टू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये पूरा फिनिश है इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, कल तो का आपने पिछली वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसका क्वेश्चन 51वां कैसे होगा। दोस्तों देखिएगा इन्होंने √841 का मान कितना दिया, 29। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसको रख के डायरेक्ट कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर √41 है तो ये बार कितना आ जाएगा, 29 प्लस। ठीक है दोस्तों, देखिए नया √8.41। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद 2.9 प्लस। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा ये कितना दिया, चार अंकों के बाद, तो यहाँ पर दो अंकों के बाद आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखिएगा कैसे होगी, 0.29। ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पर कितने अंकों बाद दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों बाद, तो यहाँ पर आएगी 0.029। ठीक है दोस्तों, अगर हम उस सभी को ऐड करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा। तो दोस्तों देखिए इसको जोड़कर कितना आएगा, 32.219। ठीक है दोस्तों, यहीं आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना, नहीं हो तो बताना दोस्तों, समझा दूंगा, कोई बात नहीं, पर उम्मीद करता हूँ आप इसके रील बना दोगे। ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 53 इन्होंने दिया हुआ है, 1/ कितना है, √9 - √8। ठीक है दोस्तों, इसका मान पूछा है इन्होंने कितना आया। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं इसमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा इधर आइएगा, तो करिएगा 1/ कितना हो गया, √9 - √8। ठीक है दोस्तों, इसमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करिएगा, ये दोस्तों कितना हो गया, √9 + √8। ठीक है, कितना गया, √9 + √8। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कितना आएगा, ये कितना होगा ऊपर, √9 + √8। ठीक है, बटा कितना हो गया बच्चों, यहाँ का √9 और नीचे आ गया 8, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, √9 + √8। ठीक है, या तो यहीं पे छोड़ दो आंसर दोस्तों, या फिर √9 का रूट कितना, 3 आ गया प्लस √8। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी इसका आंसर, जो भी इसका आंसर दिया हुआ है इस टाइप में, यहीं इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर इससे भी अलग कुछ आंसर दिया हुआ है तो इससे भी अलग कर सकते हो आप। देखिएगा यहाँ पे 3 तो जो का तू, ठीक है, और क्या करना है आपको, ये रूट में 4 × 2 = 8 होते हैं, तो 2 बार आ जाएगा, 3√3 + 2√2। ठीक है दोस्तों, यही उम्मीद करता हूँ ये इसका आंसर है, बिल्कुल आप बिल्कुल संतुष्ट हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करिए दोस्तों अच्छी तरीके से, ध्यान देते रहिए, हो गया ना क्वेश्चन, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 54वां क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, अब आओ इसके रियल बनाओ, देखिएगा कैसे होगा। इन्होंने दिया हुआ है √A + √B = कितना दिया हुआ है, 17। ठीक है, नीचे कितना दिया हुआ है, √A - √B = कितना है बच्चों, 1। ठीक है, देखिएगा इसको हल करना है आप लोगों को, कैसे करेंगे, और इन्होंने बोला है √A, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से √AB का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो कैसे करना है आपको दोस्तों, देखिएगा इसको जोड़ने पर कर दो। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा, बी से बिलूल हो गया, मतलब कट गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, √A = कितना होगा बच्चों, 18। तो इससे काट दे, कितनी बार कट गया, 9 बार, √A = कितना आ गया, 9। ठीक है दोस्तों, इसको हम इधर √B का मान निकालिए, अब √B का मान क्या हो गया, इसका जो √A है इसका कोई सी भी समीकरण में रख लो, इसमें रख लो या इसमें रख लो, ठीक है इसमें रख लो, हम बी में रखते हैं दोस्तों, कितना आ गया, √B का मान कितना है उससे बराबर, समीकरण इसमें रख लो, इस वाली में, ठीक है, इसका मान रखो तो कितना है इसका मान, 8। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, √AB, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर √A और गुणा, ठीक है दोस्तों, इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और आपको पता है इनका मान कितना हो गया, इसका मान कितना है √A का, 9, और इसका मान कितना है बच्चों, 8, तो कितना आया आंसर, आंसर है इसका 72। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना है, 55वां, इसकी तो आप वैसे भी बंगू बना दोगे, बनाइएगा इसका बंगू, कितना है √B का मान कितना दिया है, 4 है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, √2 का मान ज्ञात करो, तो क्या हुआ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, देखिएगा कितना है, b = 4 × 16, और इधर कितना है, a². ठीक है, इन्होंने किसका मान कहा है, a² / b, कैसे b को इधर ले जाओ, तो ये कितना आएगा, 1/16 = कितना आएगा, a² / b। ठीक है, तो इन्होंने यही मान पूछा है इसका बच्चों, तो आपका यही आंसर होगा, 1/16। ठीक है दोस्तों, हो गया ना 2 सेकंड में। तो दोस्तों ऐसे ही ध्यान देकर समझते रहिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा सभी कुछ, और जो 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ सब आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा स्पीड से।
तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो है ए का मान ये दिया हुआ है, बी का मान ये, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसका मान क्या करो, आपको क्या करना है इसमें, ये निकालना आपको, मैं सिर्फ पढ़ करके दे रहा हूँ थोड़ा, देखिएगा। इन्होंने ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, और बटा ये दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। दोस्तों हमें इनका सूत्र बनाया, इसमें टू ए बी जोड़ दो, टू ए बी घटा दो, ठीक है। ऐसे ही हुई काम बिल्कुल, इसमें कर दो छोड़, नीचे वाले में टू ए बी जोड़ दो और टू ए बी ही घटा दो, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आपका ये सूत्र बन चुका है, ठीक है। ये और इसे मिलाकर, ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, और इसमें ये और इसको मिलाकर सूत्र तैयार हो चुका है। देखिएगा आप भी ध्यान से, ऊपर किस चीज़ का सूत्र बन गया बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए भी बचा माइनस टू ए बी है, तो कितना बचेगा माइनस ए बी बटा, यहाँ पे देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, नीचे कितना बचेगा दोस्तों, देखिए नीचे यहाँ बचेगा प्लस का बच्चों, ठीक है, ए बी। तो दोस्तों आपको इसमें मान रख के कर देना है, इसकी रेल बना देनी है, ठीक है दोस्तों। नहीं हुआ तो दोस्तों बताना, ठीक है, मैंने आपको इंट दे दिया, इसमें मान रख कर देना, ठीक है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कितना है 57, ठीक है। देखिएगा कितना दिया हुआ है, 8 ए स्क्वायर बी बराबर 27 ए बी स्क्वायर बराबर 216 दिया हुआ है, ए बी का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, 8 ए स्क्वायर बी बराबर 216 ही है, ध्यान रखना। और जो दिया हुआ है 27 ए बी स्क्वायर जो इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों, ये भी 216 के बराबर है। इन्होंने अलग अलग ना लिख के एक ही बार लिख दिया, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा कैसे हल करना है दोस्तों, बड़ी ध्यान से करना है इसको, काटिएगा। 8 से कितनी बार कट गए, 27 बार, और इसको काटिएगा दोस्तों, 27 से कितनी बार कट गया, सीधी बात है, यहाँ 8 बार कटेगा, ठीक है। आपको क्या करना, देखिएगा कितना है ए स्क्वायर बी का मान, कितना है आपका ए स्क्वायर बी का मान है आपका 27, और जो ए बी स्क्वायर का मान है वो कितना है आपका 8। इन्होंने क्या है, ए बी का मान ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, इनके आपस में गुणा कर देनी है ए, देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, आपको क्या करना है, ए स्क्वायर बी गुणा ए बी स्क्वायर, इनके दोनों के आपस में गुणा कर देनी है, कितना है 27 और गुणा 8, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर 3 और बी की पावर 3, ठीक है दोस्तों। तो 27 गुणा 8 ये जो होगा तो, ठीक है। आगे चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए और बी का होल क्यूब या होल घन, ठीक है, 27 गुणा 8। अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों, जो ए भी दिया हुआ है इसका मान, ए का मान कितना आएगा दोस्तों, देखिएगा ये 3 का क्यूब है और ये कितना का, ये 2 का, ठीक है। तो इसका ए बी का मान कितना आएगा, 6, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ बड़ी अच्छी तरीके से समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये जो 58वां क्वेश्चन है आपको खुद करके देखना है, कुछ नहीं करना, बस हल करना है, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको हल करके देखना है कि इस तरह का होगा, नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना, मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मुझे पक्का बताया आप इसकी गोली बना दोगे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का जब तक मैं हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से हो गए हैं, देखिएगा आप लोग भी ध्यान से, ठीक है। देखिएगा 59वां क्वेश्चन कैसे होना है, देखिएगा दोस्तों, इन्होंने दिया हुआ है 1/√9, मतलब आपको पता है इनका अंतर एक ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई अप्लाई करके हमेशा एक बड़ा आ गया है और छोटा पीछे है, तो आपको क्या करना है, हमेशा ऊपर प्लस का आ जाता है कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करके। जैसे देखिएगा ये वाला है 1/√9 माइनस रूट 8, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में ऐसी करनी है अगर बड़ा करना हो तो, ठीक है, √9 प्लस रूट 8 बटा √9 प्लस रूट 8, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों ये कितना हो गया, √9 प्लस रूट 8, ठीक है ना, नीचे का मान कितना होगा 1। तो इसी प्रकार से आप अगले भी जो ये दिए हुए हैं इनको भी कर सकते हैं इसी टाइप से, देखिएगा हमें कैसे हो जाएगा। नीचे बीच में कहेगा चिन्ह है, अब माइनस का है बच्चों, देखिएगा कितना हो गया, कोष्ट में हो गया अंदर रूट 8 और प्लस, प्लस का होगा ना रूट 7, ठीक है। अब कहेंगे होगा बच्चों प्लस, ये कितना दिया इन्होंने रूट 7, ठीक है, यहाँ पर दिया है बच्चों इन्होंने, देखिएगा रूट 7 और प्लस रूट 6, ठीक है। ये देखिएगा बच्चों माइनस कितना दिया हुआ है, रूट 6 माइनस रूट वो मतलब प्लस रूट 5, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार प्लस कितना दिया हुआ है, रूट 5 और प्लस रूट 4, ठीक है दोस्तों। आपको पता है जब आप इनको खोलोगे अंदर ये माइनस के चिन्ह खुलेंगे ये और ये, ठीक है, तो फिर पता है इनका क्या होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा, हम अभी नहीं करते इसका कुछ भी। देखिएगा बच्चों पहले ध्यान से समझते रहिए, कभी कहो तुक्का मार दिया, 9√9 प्लस रूट 8, इसके अंदर गुणा खोल लो माइनस के, रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 जमा रूट 6 माइनस रूट 6, इसके अंदर खोलिए
माइनस रूट पाँच। अब यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, प्लस रूट पाँच और प्लस रूट चार। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा क्या होगा, आठ से आठ कदम, सात से सात कदम, छः से छः कदम, पाँच से पाँच कदम। ठीक है, कट गया ना, काट डालो इनको आपस में। बच गया क्या, आप रूट नौ और बच गया रूट चार। ठीक है, ये देख दें यहाँ पे, और इनका मान कितने हो गए, रूट नौ का मान तीन और इसका मान दो, दोनों जोड़ के कितने आए, पाँच। नहीं दोस्तों, आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो हमें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन है, इससे बिल्कुल नहीं डरने का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, जहाँ भी इस प्रकार का सवाल दिखा देगा तो उसका आंसर हमेशा दो ही आएगा, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन और देख लो मेरी तरफ से, एक और देख लो, अगर यहाँ पे कहीं इस टाइप से दिया हुआ हो, उन्होंने बिल्कुल इसी रूप में अगर यहाँ पे दिया हुआ हो, तीन प्लस, चलो ब्लैक पेन से देख लो दोस्तों, रूट थ्री। ठीक है, और प्लस दिया हुआ है तीन प्लस रूट तीन। ठीक है, प्लस एक बटा कितना होगा, रूट थ्री माइनस थ्री। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो दोस्तों डायरेक्ट उसका आंसर कितना आएगा, उसका भी तीन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल शॉर्टकट है, इसमें कुछ निकालना, बाकी हल करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, एक और देख लीजिएगा, एक और है, प्लस रूट पाँच। ठीक है, प्लस एक बटा पाँच प्लस रूट पाँच। ठीक है, और बच्चों प्लस एक बटा रूट पाँच माइनस पाँच। अगर इस प्रकार दे रखा हो दोस्तों तो ध्यान रखना, इसका आंसर पाँच नहीं आने का। ठीक है, इसका आंसर पाँच नहीं आने का बच्चों, बिल्कुल भी। ठीक है, वो सिर्फ दो और तीन के लिए फॉलो कर रहा है रूल। ठीक है, तो ध्यान से करने के बाद इस पर ध्यान रखना, पाँच वाला बिल्कुल नहीं लगता इसमें। ठीक है, इन दोनों पे ही सही बैठता है। ठीक है, तो इसका आंसर दो, इसका तीन और इसका आगे हल करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखिएगा इकसठवा क्वेश्चन, इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये आपको करके देखना है दोस्तों। इसका एलसीएम लेना है और हल कर देना है, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, गोली बना दो इसकी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर आता है। ठीक है, देखिएगा कितना दिया, सात प्लस दो रूट दस। ठीक है, इसका बताया उन्होंने का वर्गमूल, इसका वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, आपने कभी गुणनखंड पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमें याद आ जाने चाहिए, यहाँ देखना ध्यान से। तो इन्होंने जो दिया है सात प्लस दो रूट, ये दिया है, ध्यान रखना दोस्तों। हमें क्या करना है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बना दिया, कैसे। तो चलिए दोस्तों, दस के है टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के सात आ जाए। ठीक है, करिएगा पाँच दूनी दस। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, पाँच प्लस रूट दो। ठीक है, आपको पता है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है दोस्तों, वर्गमूल, तो वर्गमूल से ये वर्ग कट गया, तो कितना है आपका, रूट पाँच प्लस रूट दो। यही दोस्तों आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गोली की रफ्तार से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तिरसठवा, इन्होंने क्या दिया हुआ है, आठ प्लस दो रूट पंद्रह। ठीक है, आपको यहाँ फिर कौन खंड याद आ जाना चाहिए, पंद्रह के टुकड़े जिन्हें जोड़ के आठ आ जाए, तो कितना होगा, पंतिया पंद्रह, तो कितना आएगा, रूट पाँच प्लस रूट तीन का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा इसका वर्गमूल, वर्गमूल है तो इससे ये कट गया, तो कितना है डायरेक्ट इसका आंसर, रूट पाँच प्लस रूट तीन। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं संतुष्टि हो रही है तो इसको खोल कर भी देख सकते हो आप। ठीक है, क्या आया, रूट पाँच प्लस रूट तीन का होल स्क्वायर बताया हमने, खोलिएगा, ए स्क्वायर कितना आएगा, पाँच प्लस बी स्क्वायर तीन प्लस टू ए बी कितना होगा, टू, ये कितना है, रूट पाँच और गुना रूट तीन। ठीक है, देखिएगा कितना आया, पाँच तीन आठ प्लस दो इंटू कितना है, पंतिया पंद्रह, रूट ए बी भी कर सकते तो कितना होगा, ये देखिएगा बच्चों, यही आया ना बिल्कुल ही। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा, ध्यान देकर समझते रहिए दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना है, पैंसठवा, देखिएगा कितना दिया है, ए का मान कितना दिया है इन्होंने, पाँच प्लस दो रूट छः। ठीक है दोस्तों, तो छः के हैं टुकड़े जिन्हें जोड़ा कितना आ जाए हमारे, पाँच, तो कितना आया, तीन दोनों छः, तो कितना आएगा, रूट तीन और जमा कितना है दोस्तों, रूट दो का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ आया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा है रूट ए, तो हमें रूट ए निकालना है इसका कितना है, ये तो ए का मान है, अगर रूट ए निकाल लेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, रूट तीन और प्लस रूट दो आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, फिर अगर इन्होंने दिया हुआ है रूट ए माइनस एक बटा रूट ए, तो आपको इसमें इसका मान पुट कर देना है, मतलब रख देना है। तो चलिए दोस्तों, इसका मान रखिएगा इसमें कितना आया, देखिएगा रूट तीन प्लस रूट दो, ये तो जो कहते हो माइनस एक बटा, यह आ गया रूट तीन प्लस रूट दो। ठीक है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉन्जुगेट पता है आपको, यही प्रकाश का उल्टा, तीन माइनस रूट दो बटे तीन माइनस रूट दो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा कैसे होगा, अभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों कितना आया, यह आया दोस्तों यहाँ पे रूट तीन प्लस
रूट दो माइनस, यहाँ पे तो मैं पता नीचे कितना हुआ एक, तो ऊपर कितना आएगा रूट तीन और माइनस रूट दो। तो दोस्तों जो ये माइनस है इसकी वजह से, जो ये माइनस है यहाँ पर देखिएगा, मैं बताता हूँ जो ये माइनस है इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा जब अंदर खोल लेंगे। तो दोस्तों कितना होगा देखिएगा, रूट तीन से रूट तीन खत्म, कट गया, कट गया ना, देखिएगा दोस्तों रूट तीन से रूट तीन काट डालो तो कितना बच गया, रूट दो कितना होगा दोनों जोड़ गए, दो रूट दो। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा। बढ़िया, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिएगा इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या करना है आपको, आप जब इसका एलसीएम लोगे इसका यहाँ से तो कितना आएगा, रूट नौ एंड इंटू रूट ग्यारह, इसका भी यहीं आएगा। तो ये दोनों आपस में यहाँ कट जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लाइन लिख रहा हूँ जो भी यहाँ पे आएगी दोस्तों, एक लाइन बचा रहा हूँ आपको, बहुत खतरनाक कितनी आएगी, चाहे आप हल करके देख लेना ऐसी कटेगी, रूट ग्यारह माइनस रूट नौ बटे कितना आएगा, रूट ग्यारह प्लस रूट नौ, ठीक है ये आएगी दोस्तों। और गुना कितना दिया हुआ है, दस प्लस कितना आएगा, रूट निन्यानवे बटा एक्स बराबर कितना दिया है, एक बटा दो, ठीक है दोस्तों। तो करिएगा इसे आराम से, कैसे करना है देखिएगा। तो दोस्तों आप एक बात बताइए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा, अगर आप इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो क्या होगा, दोस्तों हम करेंगे तो ये तो हो जाएगा नीचे दो, ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, रूट ग्यारह माइनस रूट नौ का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और नीचे कितना हो जाएगा दो, ठीक है। ध्यान से देख करिए दोस्तों कितना आएगा, दस प्लस कितना आएगा, रूट ये निन्यानवे तो जुगे तो है ही, और बटा एक्स, और बराबर आपको पहले पता है एक बटा दो दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको हल करिएगा आगे कैसे होगा, देखिएगा कितना होगा, दो से दो कदम, ठीक है दोस्तों आगे चलते रहिए क्या आएगा देखिएगा। अगर इसको हमने काट दिया तो एक्स बराबर हमारा कितना आएगा देखिएगा, एक्स बराबर कितना है, ग्यारह प्लस नौ भाई इसका स्क्वायर खोल दीजिएगा, ठीक है, माइनस टू इंटू रूट निन्यानवे भाई रूट ग्यारह रूट नौ की गुणा कितनी होगी, रूट निन्यानवे ही होगी, और यह गुणा दी हुई है दस प्लस कितना होगा, रूट निन्यानवे, ठीक है, ये तो आपका है ही, बिल्कुल नहीं डरने का। देखिए दोस्तों कैसे करना है, एक्स बराबर ये कितना हुआ यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों कितना होगा यहाँ पर, ग्यारह नौ बीस माइनस कितना होगा, दो रूट निन्यानवे। दोस्तों ये मैं लॉन्ग नहीं कर रहा, ध्यान रखिए मैं इसलिए कर रहा है कि बच्चों की समझ में आ जाए बढ़िया तरह, प्लस बिल्कुल ये ना सोचिए कि कहाँ से क्या रख दिया, ठीक है। आप कितना भी शॉर्ट कर सकते हो आपके हाथ में दोस्तों, वह मैं इसके कितनी लाइन काट सकता हूँ, लेकिन फिर समझ नहीं आएगा, मुझे समझाना है दोस्तों, ठीक है। एक्स बराबर कितना, इसमें दो कॉमन ले लो बच्चों, कितना होगा, दस माइनस रूट निन्यानवे, और यहाँ पर कितना है, दस प्लस रूट निन्यानवे, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना है, टू इंटू कितना हो गया देखिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, सौ माइनस निन्यानवे हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल के हिसाब से, तो कितना होगा, दो गुणा एक, और बराबर कितना आएगा इसका आंसर, दो। तो दोस्तों यही आपका आंसर आया, आ गया ना गोली गिरफ्तार से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, नवा अड़सठवा, ठीक है। इसमें देखिएगा बिल्कुल रीजनिंग वाला फ्लेवर है बिल्कुल इस क्वेश्चन में, देखिएगा रीजनिंग याद आ जाएगी। दो टू स्टार थ्री दिया हुआ है ना, रूट तेरह, देखिएगा किस तरीके से दिया इन्होंने, तेरह ये दिया हुआ है ना, तो वो स्टार थ्री बराबर रूट तेरह कैसे आया हुआ है ये भी तो पता होगा ना बच्चों, नहीं पता देखिए मैं बता रहा हूँ। दो का वर्क करिए कितना होगा, दो का वर्क चार, और प्लस कितना होगा, तीन का वर्क नौ, और इसका रूट कर डालिए कितना आएगा, रूट तेरह, आगे ना समझ में। तो इसी प्रकार इन्होंने अगला दिया हुआ है थ्री स्टार फोर, तो तीन तीन नौ, चार चौक सोलह, सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस का रूट पाँच, तो यहाँ दिया हुआ है ना पाँच स्टार बारह, इसका मान कितना दिया हुआ बच्चों, पाँच स्टार बारह का मान कितना होगा, तो देखिए पाँच पाँच पच्चीस प्लस बारह बारह का वर्क कितना हो गया, एक सौ चवालीस, और जोड़ का कितना हो गया, एक सौ उनहत्तर, और इसका क्या करना है इन्होंने देखिएगा दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा राइटिंग स्टडी बुसी सी हो गई है, इसका ध्यान से देखना एक बार, और एक सौ उनहत्तर, और ये किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, तेरह का। तो यही दोस्तों आपका आंसर है, गोली गिरफ्तार से आंसर आता हुआ। तो चलिए दोस्तों उनहत्तरवा क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है आप अब इसके ऊपर खच्चे उड़ा दोगे, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं, इसमें डायरेक्ट मान टेकने हैं, जो यहाँ पे देखना ध्यान से, जो यहाँ पे एक्स वाई जेड के मान दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड के में, जो कहते हैं इसमें टेकने, जहाँ पे एक्स है वाई है जेड है वहाँ टेकने और मान निकालना, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो बच्चों देखिएगा इसमें कहना है, वह छोटी है छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा दस बारह पंद्रह में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर आप इकहत्तरवे में देखेंगे, इसके हम टुकड़े कर लीजिए पहले, इकहत्तरवे में कैसे होंगे देखिएगा, इसमें कहना दो पंजे दस, ठीक है, दो दूनी चार तिया बारह, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा बारह अट्ठारह भी आना है, दो तिया छः तिया अट्ठारह, तो इसका एल्शियम कितना आएगा बच्चों, देखिएगा दो पंजे दस दूनी बीस तिया साठ, साठ तिया एक सौ अस्सी, इसका एल्शियम आ गया बच्चों एलसीएम। अब आपको क्या करना है, काट के देखनी है इससे डायरेक्ट कौन सी कट रही है, बस आपको पता ही चल गया होगा कौन सी कट रही है, 900 से 900 ही कट रही है, 180 से डायरेक्ट, ठीक है, 10 से 10 अठारह पंजे 90, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, 900, ठीक है, आई समझ में अच्छी तरीके से। चलो देखिएगा
72 को जिन्होंने कहा 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे आपको करना है इसके टुकड़े कर डालो, कितने हो गए दोस्तों इसके टुकड़े, देखिएगा 2 3 6 7 42, 42 7 कितना हो गया बच्चों, देखिएगा 42 7 कितना हो गया, 42 7 294। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमें इसमें देखना है इसमें ऐसे किस संख्या गुणा करनी है जो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों हमें पता है इसमें कमी अब किस चीज़ की पड़ रही है, आपको पता है इसमें एक तो 2 की कमी पड़ रही है और एक 3 की, तो आपको क्या करना है 2 × 3 से गुणा करनी है, इसका मतलब कितना 2 × 3 = 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 6 से इसमें गुणा करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां, 1470 को की छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि इस प्रकार प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा मैं आपका टाइम बचा दूँ थोड़ा सा, मैंने इसमें करके देख लिया वैसे भी, 73वां क्वेश्चन क्या करना है, 1470 को किस छोटी या छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि इस प्रकार प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो काट कर देखिएगा दोस्तों, 5 से कटेगी 15 से, और इसे काट कर देखिएगा मुझे तो इससे लग रहा है दोस्तों, ये देखिएगा डायरेक्ट सबसे बड़ी चीज़ देख लेते हैं पहले क्या होगा इसमें, 470 को 30 से भाग दीजिएगा, 0 से 0 कटेगी और इसे दीजिएगा, देखिएगा कितना होगा बच्चों, 3 × 6 = 12 और 3 × 9 = 27 आ गया बच्चों पूर्ण वर्ग है। अच्छी तरीके से देखना दोस्तों ध्यान से, आंसर कितना है आपका 49, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है आप लोगों को, 79 ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखिएगा इन्होंने क्या दिया हुआ है इसमें, √12 + √12 + √12 + √12 इसका आगे कोई अंत नहीं है। ठीक है, देखिएगा कैसे करना है, अगर इस प्रकार का अगर कोई सवाल आ जाए आपके सामने तो आपको 2 मिनट में इसको हल कर देना है, देखिएगा दोस्तों 2 सेकंड में क्या करना है, इसके 12 के टुकड़े करिएगा दोस्तों, अगर इस टाइप का सवाल आया कोई तो कितने लगातार कितने होंगे इसके, 3 × 6 = 12। ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसमें यहाँ पे बीच में जैसे इन्होंने प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, ये बीच में यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना है हमेशा बड़ी संख्या लेनी है, और अगर माइनस का दिया हुआ है तो यहाँ पे छोटी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आया 4। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपका आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको कोई एक क्वेश्चन इन्होंने अगर दे दिया किसी प्रकार, जैसे मैं बता दूँ दोस्तों अपनी तरफ से कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, यहाँ इन्होंने दे दिया √42 - √42 और −√42। ठीक है दोस्तों, और −† इसी प्रकार से है, तो आपको कैसे करना है, इसके 42 के टुकड़े करो बच्चों, देखिए कितना हो गया 642। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा था दोस्तों आपसे अभी, अगर यहाँ पे बीच में माइनस आया तो आपको क्या लेना है छोटी संख्या, तो इसका आंसर कितना है बच्चों 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 80वां क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया तो आप क्या करो, अब की बार पता क्या है, देखो है तो सवाल इसी टाइप का बिल्कुल, लेकिन जो अंदर संख्या दी हुई है उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, अगर ऐसे हुआ तो आपको देखना है क्या करना है, बराबर कितना दिया हुआ है देखिएगा, √3 + √3 + √3। ठीक है, +† इस टाइप से दिया हुआ है इन्होंने, देखिएगा दोस्तों क्या करना है आपको ध्यान से देखना, हमें क्या करना है दोस्तों, या इसको लिख सकते हैं x बराबर कितने लिख सकते हैं √3 + और जो अगर रिपीटेशन है इसको x लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है दोनों पक्षों का वर्क करने पर, वर्क कर दो दोस्तों, देखिएगा अब क्या होगा, इसका कितना आएगा x² बराबर कितना आएगा 3 + x। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपन की द्विघात समीकरण कितना होगा x² - x और −3 = कितना आएगा 0। ठीक है दोस्तों, देखिएगा बराबर बाबू ये क्या करना है अब इसका, तो हमें इसको हल करना है, तो दोस्तों देखिएगा इसकी तुलना कर दो, वही विविध करके तुलना किससे करनी है, आपको पता है इसके टुकड़े भी नहीं होते, तो इसमें क्या करेगा श्री द्राचार्य जी महाराज का सूत्र लगेगा, श्री द्राचार्य जी का सूत्र लगेगा इसमें, तो ax² + bx + c = 0 से इसकी समीकरण की तुलना कर दो, ABC के मान ज्ञात कर लो, तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है −b + −√b² - 4ac, ठीक है √2a, ठीक है पूरे के बटे, ठीक है ध्यान रखना दोस्तों, तो इसका मान इसमें रखना है दोस्तों, तो कितना कितना मान है आप भी देखिएगा दोस्तों ध्यान से, बराबर −b का −1, इसका b का मान कितना है बाबू देखना ध्यान से कितना है इसका −b = −1, तो यहाँ पर कितना होगा +1, −± हो गया, तो √b² - 1 हो गया −4, a का मान कितना है दोस्तों, a का मान भी 1 है, और c का मान कितना है दोस्तों, c का मान आपको पता है −3 है, ठीक है √2a 2 × −1 हो गया बच्चों, ठीक है 2 × नहीं −, प्लस का ही हो गया, तो दोस्तों ठीक है देखिएगा करते जाइए इसको, कितना आया देखिएगा यहाँ पे, इसका आया बच्चों, इसका यहाँ पे आया है 1 + −√, देखना ध्यान से 1 + ये क्या आ गया बच्चों, इसको भगाओ थोड़ा, मेरी खोपड़ी सुनकर डाली।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हो गए, कितना आएगा प्लस 12, ठीक है, बटा कितना आएगा बच्चों नीचे 2। अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना आया देखिएगा, 1 + √13, ठीक है, 1 + √13/2। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना इसको क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं, इसका अगर ध्यान रखें, अगर आप रूट निकाल लोगे तो कितना 1 + √13 कितना आएगा 3.6/2। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है देखिएगा, एक बार हमेशा प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में। तो दोस्तों आपको पहले प्लस में करके देखना है, अधिकतर जब भी करोगे तो कितना आएगा 4.6/2, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 2.3। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही आपका आंसर है, ठीक है। तो उन्होंने और आपका आंसर किस टाइप से दे रखा था देखिएगा, 2.3 आया हमारा। तो हम देखते हैं आप अपने क्वेश्चन पे जा करके, तो देखिएगा कैसा है, इन्होंने दिया हुआ है 2.3। तो देखिएगा पहला ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने इसी प्रकार का, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये एक्स का मान 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है। तो कितना है 2.3, इसका मतलब आपका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, 81वां कैसे करना है, 81वां बिल्कुल देख रहा है दोस्तों, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका, ये 72वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसके भी आपको टुकड़े करके देखना है और हल करना है, ठीक है, अभी आपको अपने आप करके देखना है दोस्तों, नहीं हुआ तो बताना मैं अपने आप बता दूंगा दोस्तों। देखिएगा 82वां बिल्कुल इसी टाइप का है, 73वां क्वेश्चन टाइप है बिल्कुल ही, ये भी आपको करके देखना है, नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं करके समझाऊंगा दोस्तों। चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णगण हो वो कौन सी है। दोस्तों आपको पता ही है पूर्णगण कौन सी है, न्यारी दिखाई दे रहा है, 8000 तो पूर्णगण हो नहीं सकते, आपको पता है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा 4 अंकों की पता है ना, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 8000 तो बड़ी से बड़ी है ना इस टाइप से, यह कितना हुआ हमारी 52 में 61 तो पूर्णगण ही है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ आंसर आ चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84वां कैसे होगा देखिएगा, इन्होंने दिया हुआ है 0.00216 दिया हुआ है, इसका घनमूल बता रहे हैं बच्चों कितना आएगा, देखिएगा आप भी इसका कितना आएगा घनमूल, तो इसका तो देखिए दोस्तों 0.06 इसका आंसर आएगा, निकाल के देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों कैसे होगा, ये देखिएगा इन्होंने जो दिया हुआ है 85 क्वेश्चन, तो ये कैसे दिया हुआ है ना, पहले इसका ये दिया हुआ है, ये करना है आपको ऐसे घन अंदर दिया हुआ है स्क्वायर इसका वर्गमूल, ठीक है, देखिएगा इसका निकालो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से 0.064 इसका है ये, और इन्होंने इसका निकाला बच्चों कितना आ जाएगा आपका 12, यहाँ आ जाएगा आपका, ध्यान रखना दोस्तों कितना आएगा आपका 8, ठीक है दोस्तों, यह आपका आंसर। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हो गए, 86वां क्वेश्चन दोस्तों, इन्होंने दिया हुआ है 4 सही 12/125, तो अगर हम इसको हल करके देखते हैं दोस्तों कितना आएगा घन में, कितना आएगा बच्चों 512, इसकी गुना 125 चौका 500 और 12 हो गया बटा 125 हो गया दोस्तों, इसको बाहर निकालने हैं कितना हो गया दोस्तों, आपको पता है 8 का होता है और ये 5 का, ठीक है, तो पता है अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, और 3 वही 1 सही 3/5 ही इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, करिएगा, 89 कितना दिया, 1 2 3 4 5.00001 का घनमूल क्या होगा दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे 6 अंकों से पहले आया, तो यहाँ पे जब इन्होंने घनमूल बताया तो 0.3 अंकों से पहले आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ओनली सी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया 676 का स्क्वायर, तो आपको कैसे करना है देखिएगा ध्यान से, तो देखिए दोस्तों इन्होंने जो दिया हुआ है रूट, इन्होंने जो ये मान ज्ञात करना है, इसका करना है हमें क्या दिया हुआ है, रूट कितना दिया 45 - 69 और 76, ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है इसकी पहले ध्यान से रखना है, इसकी पहले हमें ये हटानी है, इसकी कितनी जीरो लगानी है, इसकी पॉइंट हटाओ 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, इसकी पॉइंट हटा दी, तो इसका मान कितना है दोस्तों, आपको पता है रूट से बाहर का कितना है 676 और रूट में आया पूरा, तो बटे कितना आएगा इसकी, इसमें से 100 आ जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों 6.76। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर कोई नया भाई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम आज की वीडियो और आपका आज का चैप्टर बिल्कुल यहीं पर एंड होता है, ठीक है दोस्तों, अब चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय दोस्तों, लव यू आप सभी को। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिएगा, सेहत अच्छी बनाए रखिएगा, तो दोस्तों कोई बात नहीं है, अपना अगली वीडियो मिलती है दोस्तों, ठीक है, बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखना, ठीक है।